मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथा श्रृंखला में आज हम नई दिल्ली आए हुए हैं जौनापुर मंदिर में, जहां मैंने पहले भी आपको एक लाइव दिखाया था, जल्दी में भी एक लाइव दिखाया है। और लाइव के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि कई बार दिखाने के बाद भी कुछ नई चीजें आती हैं। आज हम यहाँ ध्यान केंद्र में बैठे हैं और ध्यान केंद्र में आपको दिखाई पड़ रहा है, फोटो दिखाई पड़ रही है, मेरे पास बैठे हैं यहाँ पर यहाँ की व्यवस्था देखने वाले व्यवस्थापक शुक्ला जी। राम राम साहब। राम राम। राम राम। शुभ नाम, पूरा नाम बताइएगा। अनिल कुमार शुक्ला। ये अनिल कुमार शुक्ला जी हैं, नाम मुझे भी पता है लेकिन आपके मुखारविंद से अच्छा लगता है। तो शुक्ला जी, यहाँ पर आप कब से सेवाएं दे रहे हैं? मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए जी। 2 साल जनवरी 20। ठीक है, ये चित्र जो है वो किनका है? चंद्रशंकर शर्मा जी का है, महाराज जी के सानिध्य में जी 40 से 42 वर्ष जो है समय बिताए हुए हैं। जहाँ जाते महाराज जी उन्हीं के साथ में भी जाते थे। हाँ। भंडारा का कारभार देखना और भी व्यवस्था देखना, ये सब महाराज जी इनके ऊपर सौंपे हुए थे। अच्छा। और फिर वृंदावन की व्यवस्था देखते हुए जी, जब कुछ संकट यहाँ पे आए तो महाराज जी इनके सपनों में आए 1982 में। तो 1982 में बोले कि जाओ दिल्ली आश्रम में कुछ उथल पुथल मच रही है, तुम वहां जाके देखो। फिर उसके बाद 83 में यहाँ चंद्र शंकर शर्मा जी आए। हाँ। जो बाबा सेवानंद जी पहले से यहाँ थे, उन्हीं के सानिध्य में रह के यहाँ का जो कारभार स्तंभ जो खड़ा हुआ मंदिर स्तंभ जो भी है, सभी दोनों के हाथों द्वारा विग्रह स्थापित है। मैं आपको यहाँ के इतिहास के बारे में बता दूं कि महाराज जी जब यहाँ पर जौनापुर में आए हैं तो यहाँ वन झंकाल और कुछ कुछ मतलब ये गांव था, गांव ऐसे थोड़ी दूरी पे था और ये मंदिर जो है यहाँ पर है, आप फोटो देख रहे हैं, तो वहां पर कुछ भी नहीं था। मंदिर की स्थापना हुई कैसे हुई मैं आपको कथा में बता चुका हूं। तो यहाँ पर सेवानंद जी का वर्णन आपने किया शुक्ला जी ने, तो सेवानंद वही है वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में गड़का घूम रहा था और जिसको महाराज जी ले आए थे वृंदावन आश्रम में रखा था और वो यहाँ पर इस आश्रम में आ गए थे, इस मंदिर की देखभाल कर रहे थे। मैं सही कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं। तो सेवानंद जी का विग्रह भी है यहाँ पर, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन आपको मैंने पहली बार देखा। चंद्रशंकर शर्मा, क्योंकि ये महाराज जी के अनन्य भक्तों में होंगे निश्चित रूप से, जिन्होंने 40-50 साल का समय बिताया, तो आप बताएं तो यहाँ पर इनका पदार्पण सपने में होके हुआ जी? उस समय कहाँ थे? वृंदावन देख रहे थे। वृंदावन देख रहे थे जी, जी। आप वृंदावन में सेवा कर रहे थे शर्मा जी, और यहाँ पर कुछ उथल पुथल हुई होगी। अरे आश्रम होते हैं तो कभी उथल पुथल हो जाती है। उथल पुथल का मतलब हमें नहीं मालूम भैया, आप समझ रहे हैं, ठीक है ना? तो शुक्ला जी बता रहे हैं कि फिर आपके सपनों में महाराज जी आए और दिशा निर्देश दिया कि जाइए जौनापुर नई दिल्ली मंदिर में जाइए और वहां की व्यवस्था में सहयोग करिए। तो सेवानंद महाराज जी थे, उनके साथ आपने अपनी सेवाएं दी और सेवानंद जी जब चले गए उसके बाद आप अपनी सेवाएं इस मंदिर में देते रहे। आप कहां से आए? ए हाबू से आए। हाबू? हाबू कहां पर है? ए राजस्थान के पास में पड़ता है, राजघराने से आए। राजघराने से हैं जी? जी, मतलब ये राजघराने से हैं और यहां पर महाराज जी। अच्छा, आपको ये पता है कि महाराज जी से कैसे कांटेक्ट हुआ? ये तो हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। ये ज्यादा जानकारी जी? चलिए, कभी कभी ऐसा होता है कि सारी जानकारी किसी को नहीं होती, हमें भी नहीं होती, हम भी तो पता करते हैं। तो मैं पहले भी आया तो मैंने आपके चित्र आज बड़े ध्यान से देखा, तो हम फिर आपको इनके बारे में किसी बड़े यानी पुराने भक्त या जिनके इनके बारे में जानकारी होगी मैं उनसे बात करवाऊंगा, ठीक है ना? तो नाम बताया, चंद्र शंकर शंकर शर्मा। चंद्र शंकर शर्मा बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो लाइट में नहीं आ पाए हैं। दस्तक मीडिया का प्रयास रहता है कि नए भक्तों के बारे में पता चले, यानी जो जिनके बारे में जो लाइट में नहीं आ पाए, पर्दे पर नहीं आ पाए या जिनकी चर्चा नहीं हो पाई, मेरा प्रयास है कि हम उन सब से आपको मिलवाए। तो शुक्ला जी, दस्तक मीडिया से आपने बातचीत की जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे